गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम बैक, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मीनाक्षी, सुशील, हेलो, हाउ आर यू ऑल। हेलो, आई एम अमित चैटर्जी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, स्टॉल्पर, सैमुएलसन एंड रिप्जिंस्की थ्योरम। इट इज स्टॉल्पर, सैमुएलसन एंड Rybczynski theorem. So let's quickly start with this. I believe all of you are happy, all of you are going good. Navratri has started. सभी के सभी बहुत ज्यादा व्रत रख रहे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी कीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी दिसंबर 2020 के एग्जाम्स, जनवरी 2021 के एग्जाम्स आने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस। हेलो आशा, हेलो पल्लवी, हाउ आर यू? हेलो रवि, हेलो अकीफा, हेलो गरिमा, वेलकम बैक। सो जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका बेसिकली 2020 सितंबर 2020 का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने यहाँ पे। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज। देयर इस टाइम पे सितंबर 2020 में देयर आर टू क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली रिब्सिंस्की थ्योरम पे एक है, एक स्टॉल्पर सैमुएलसन पे है। तो उसी के लिए एक वीडियो हमने सोचा कि इसके ऊपर बनाया जाए। सो इसलिए मैं आया हूँ। बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स भी आए थे कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। And that's why we are here. Hello, Rajesh. Very good evening, all of you here who are watching me on YouTube as well as on the GradeUp app. I'm fine. Okay, so let's quickly start with this. किस किस को पता है इस थ्योरी के बारे में? Let me ask you this. So इस थ्योरी में के बारे में थोड़ा सा ये if we can go ahead with this. So this is a very fantastic theory, and ये applicable भी है in real life also. It is applicable, but however. Assumptions like perfect competition, constant returns to scale, ये ऐसे चीजें हैं, ऐसे assumptions हैं जो कि normal life, in real life में possible नहीं है। लेकिन anyway, we are going to start with this, and these are very important questions. इसके ऊपर से बहुत सारे questions आ रहे हैं every now and then, every year, every attempt, UGC net में इसके ऊपर questions आ रहे हैं। So all of you ready for this? Shall we start with this? And before we start, I need to have more yes on the chat box so that we can start with this. Are we ready? Still not getting any yes or no. Are we ready? So in this video, what we are going to do, we are going to learn as we have seen here. So this is a Stolper, Samuelson and Rybczynski theory. So basically Stolper, Samuelson, and this is both of them. ये जो रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड टू द फैक्टर प्राइसेस से रिलेटेड है, और दोनों के दोनों टैरिफ के साथ भी रिलेटेड है। सो टैरिफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए, और साथ ही साथ सो इसलिए स्टॉल्पर, सैमुएलसन और रिब्सिंस्की थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैल वी स्टार्ट? ओके फाइन, आई गॉट मेनी यसेस हियर। सोनाक्षी, वेरी गुड इवनिंग, हेलो सिद्धार्थ, हेलो एवरीवन, हेलो नंदा। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस। ओके okay, Sonali, I have actually I was live on that day about the Keynesian lecture and the post Keynesian lecture, but because of some technical glitch that video has been removed, because wo beech mein chalte chalte cut gaya tha. So I have promised that I will be coming up with that post Keynesian theory once more again, right? So don't worry, I will be coming up with that. Aur usme bahut sare questions aise hain jo ki neoclassical, neo Keynesian, neoclassicals, न्यू केन्शियंस, न्यू लिबरलिज्म, ऑस्ट्रियन, कैनेडियन, उन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, रियल बिजनेस साइकिल, उनके ऊपर आते हैं। तो उसके ऊपर हम एक वीडियो जरूर लेके आएंगे, मतलब बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो लेट मी कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स एंड डेफिनेटली वी विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन दैट। ओके, सो एज वी कैन सी, दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरीज। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल थ्योरीज है, दीज आर द ट्रेडिशनल थ्योरीज। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय एडम स्मिथ, रिकार्डो, कंपेरेटिव एडवांटेज, हेक्शर रोलिंग, सैमुएलसन मॉडल। इसको बहुत सारी बुक्स में सिर्फ हेक्शर रोलिंग लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में हेक्शर ने पहले 1919 में काम किया। उसके ऊपर ओलिन उसके पीएचडी स्टूडेंट थे, स्कॉलर थे, उन्होंने हेक्शर पे काम, हेक्शर के थ्योरी पे काम किया, और फिर लास्टली सैमुएलसन ने काम किया। सो ये तीनों के नाम से जाना जाता है ये। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एच ओ एस थ्योरी। और जो सिर्फ और सिर्फ दोनों के थ्योरीज है, हेक्शर ओलिंग का, वो फैक्टर एंडोमेंट कहलाया जाता है। एक और थ्योरी है, दैट इज स्टॉल्पर सैमुएलसन थ्योरी,
फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, रिप्सिंस्की थ्योरी, ये सारे के सारे थ्योरीज जो हैं, ये ऑल ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम हेक्सचर ओलिंग सैमुएलसन थ्योरी। सो अगर देखा जाए तो एचओएस थ्योरी के चार पार्ट्स हैं, एचओ थ्योरी, स्टॉल्पर सैमुएलसन थ्योरी, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, रिप्सिंस्की थ्योरम, ये चार थ्योरीज हैं। इसके ऊपर लियोंटिव पैराडॉक्स, दैट इज फैक्टर इंटेंसिव रिवर्सल, 1953 में दिया गया था। सो ये हमारे ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी हैं, जो कि मैंने आई हैव ऑलरेडी टॉट दोज हु आर देयर इन द क्रेडिट ऐप, पर्टिकुलरली लाइक डायनामिक कंपेरेटिव एडवांटेज, डायनामिक कंपेरेटिव एडवांटेज, देन वी हैव द प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, ये सब ऑल्टरनेटिव थ्योरीज हैं, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरीज। देन वी हैव लिंडर्स ओवरलैपिंग डिमांड, एंड इसके बाद फोर्थ इज वी हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्योरम गिवन बाय पॉल क्रुगमैन, जिसकी वजह से पॉल क्रुगमैन को नोबेल प्राइज मिला था, क्रुगमैन। एंड देयर आफ्टर लास्टली इज द ग्रेविटी स्कूल ऑफ फिजिक्स। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इनके नाम नहीं सुने होंगे, ये सब थ्योरीज के, ग्रेविटी स्कूल ऑफ फिजिक्स, राइट। सो ये ऑल्टरनेटिव ट्रेड थ्योरीज में आते हैं, ये सब भी सिलेबस में है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में है ये सब। सो ये जो है ये ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली ऑन द बेस ऑफ अजम्पशन इज लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, दैट इज CRIs, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर आपका इनपुट, इन केस यू राइज द इनपुट बाय 5%, सो आपका आउटपुट रिजल्टेंट विल बी ऑल्सो बाय 5%, इन केस इट इज 10%, इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इन केस इट इज 2.5, इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बेसिकली इंक्रीज इन द इनपुट शुड बी इक्वल टू द इंक्रीज इन द आउटपुट। मैंने 5% यहाँ पे लिया, आप इसको 10% भी कर सकते हैं, 2% भी कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ देम इज बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, देन यू हैव द होमोजीनियस प्रोडक्शन and all those things. So, ये सारा का सारा जो है, ये these are unrealistic assumptions, ये real life में नहीं मिलते हैं. इसलिए there was a need for the alternative trade theories, particularly dynamic comparative advantage. जैसे कि छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि comparative advantage जो है वो static है. इसके हिसाब से अगर इंडिया को, इंडिया 1947 में अगर लेबर कमोडिटीज में ज्यादातर अगर comparative advantage है, तो इंडिया को जिंदगी भर कालांतर तक हमेशा एवरी टाइम हर साल उसको लेबर में ही फोकस करना चाहिए। बट बेसिकली कंपेरेटिव एडवांटेज चेंज होता रहता है, पहले इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स इंपोर्ट करता था, आज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो डायनामिक कंपेरेटिव एडवांटेज है। सो इट हैज टू बी डायनामिक, इट इज नॉट स्टैटिक। देन प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, बहुत सारे ऐसे नई जगह थ्योरीज हैं जहां पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इनोवेशन किया जिन्होंने, और आज वही कंट्रीज उन्हीं चीजों को इम्पोर्ट भी करती है, एग्जाम्पल जापान एंड सिंगापुर। सो पहले इंडिया वॉज यूजिंग, उन लोगों का इनोवेशन था, दे केम अप विद अ चिपसेट, रेडियो चिपसेट्स, टेलीविजन चिपसेट, मोबाइल चिपसेट। सो आज इंडिया इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ चिपसेट्स। सो जापान और ताइवान का हमने चिपसेट्स इंपोर्ट करके ट्रू कॉपी एंड ऑल दोस थिंग्स हमारे यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। सो प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी इज ऑल अबाउट दैट। लिंडर्स ओवरलैपिंग डिमांड, बेसिकली सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सेम कंट्रीज के बीच में ज्यादातर ट्रेड होता है। ग्रेविटी स्कूल ऑफ फिजिक्स बताता है कि जितना ज्यादा जीडीपी होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा दो कंट्रीज के बीच में, उतना ज्यादा ट्रेड होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बताती है कि जितना ज्यादा इकोनॉमीज है, जितना ज्यादा एक्सटर्नल बेनिफिट आपको मिलता है ट्रेड में, उतना ज्यादा आपका ट्रेड होता है। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग, ये वो सेशन नहीं है जहां पे मैं ये सब के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर देना है तो ट्रेडिशनल थ्योरीज भी हैं, ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी हैं, तो हमें ये याद रखना है, राइट। सो जस्ट इसको याद रखिएगा कि वी हैव द ट्रेडिशनल थ्योरीज एज वेल एज वी हैव द ऑल्टरनेटिव ट्रेड थ्योरीज, सो बोथ ऑफ देम हैज टू बी देयर। सो एनीवे, गेटिंग बैक टू आवर ओरिजिनल मोटो, दैट इज स्टॉल्पर सैमुएलसन थ्योरी, एंड लेट्स हैव अ बेसिक क्रक्स ऑफ दिस, स्टेटमेंट्स क्या है इस थ्योरी के ऊपर। सो मैं 2 से 3 मिनट इस थ्योरी के ऊपर बात करूंगा, इसके बाद रिप्सकिंस्की थ्योरम के बारे में बात करेंगे एक बार, एंड देन विल मूव अहेड टू प्रूव देम कि कैसे कैसे करना है और क्या इसमें याद रखना है, ठीक है। सो बी विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स, नॉट मोर देन 30 मिनट्स वी आर गोइंग टू हैव दिस सेशन, बट इन 30 मिनट्स के बाद आपको तकरीबन
दिस इज वॉट आई एम श्योर दैट आपको इसके लिए दोबारा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बुक्स पढ़ के इसका आप मतलब निकालेंगे, इसको समझेंगे, तो एटलीस्ट कम से कम आपके 2 से 3 घंटे जाने वाले हैं. तो बी विद मी फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन, एंड आप सभी को सही से याद आ जाएगा, हो जाएगा ये. ओके, सो स्टॉल्पर-सैमुएलसन थ्योरम, इट इज अ बेसिक थ्योरम इन द एचओ थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. And it describes the relationship between the relative prices of the output. Relative prices. That means output यहाँ पे क्या है? So मान लीजिए we have two goods, right? One is good one, another one is good two. So price of one good, price of two good. So this is relative good. And the relative factor rewards. Relative factors का मतलब क्या है? मान लीजिए labor and capital. Labor का factor payment क्या है? Wages. And capital का it is rent, right? So wages. So, इन दोनों के बीच में का रिलेशन. सो अब इसको आगे बिना ना पढ़े तो थोड़ा सा इसको सोचते हैं कि क्या है ये चीज. देखिए, किसी भी चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, किसी भी चीज का, किसी भी आउटपुट का, किसी भी गुड का, आउटपुट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान से देखें, सो इट इज बेसिकली डब्ल्यू एल प्लस आर के. दैट मीन्स आई हैव टेकन एल नंबर ऑफ लेबर, employed them at the rate of wage W, plus I have taken K units of capital and employed them at the rate of R rate of rent, right? So this is what my cost of production. Now factor payments जो है उसका ratio क्या हो सकता है W by R, और ये हमने micro में भी सीखा है, तो ये कोई नई चीज नहीं है जो हम international economics में सीख रहे हैं, right? So W by R, आपको थोड़ा सा मैं याद रहा देता हूँ कि what is the producer equilibrium और फर्म का इक्विलिब्रियम. इट इज MRTS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लेबर एंड कैपिटल. इट इज MPL अपॉन MPK, और इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज DQ, दैट इज प्रोडक्शन का विद रिस्पेक्ट टू DL अपॉन DQ अपॉन DK इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू W बाय R, राइट. सो ये तो आपका हो गया स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, और ये आपका हो गया स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट, राइट. तो ये वही चीज आ रही है यहाँ पे. तो फैक्टर प्राइसेस जो हैं आपके, ये आपके फैक्टर प्राइसेस हैं, ये आपके आउटपुट के प्राइसेस हैं. नाउ इसी के रिलेशन में हमें काम करना है इसके ऊपर, ठीक है. नाउ अजम्पशंस इसके सेम है, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, देन यू हैव परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इक्वालिटी ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड गिवन ऑल दीज थिंग, गिवन ऑल दीज कंडीशंस, अ राइज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड विल लीड टू अ राइज इन द रियल रिटर्न टू दैट फैक्टर विच इज मोस्ट विच इज यूज मोस्ट इंटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड. दैट मीन्स अगर किसी वजह से मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो गुड्स हैं, एक है लेबर से बना हुआ, दैट इज लेबर इंटेंसिव गुड, और लेट मी पुट इट इन दिस मैनर. सपोज नेशन वन एक कंट्री है, नेशन वन, और एक कंट्री है नेशन टू, राइट. नेशन वन जो है वो एक्स गुड बनाती है, नेशन टू वाई गुड बनाती है. नेशन वन जो है दैट इज लेबर अबेंडेंट, मतलब यहां पे लेबर सस्ता है, लेबर चीप है, लेबर इजीली मिल जाता है, और इसीलिए वेजेस कम है यहां पे. नेशन टू वाई गुड बनाती है जो कि इट इज लेबर इंटेंसिव गुड, एंड वाई गुड बनाती है जो कि कैपिटल इंटेंसिव गुड है. नेशन टू कैपिटल इंटेंसिव क्यों बनाती है, बिकॉज इट इज कैपिटल अबेंडेंट, मतलब यहां पे कैपिटल बहुत आसानी से मिल जाता है, चीपली मिल जाता है, बहुत ज्यादा अबेंडेंट है, और इसीलिए इस कंट्री में रेंट कम है. ये सबको समझ में आ गया? इज एनीथिंग, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट वी हैव टू कंट्रीज, नेशन वन नेशन टू. देर आर नेशन वन इज प्रोड्यूसिंग एक्स कमोडिटी, दैट इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी. नेशन टू इज प्रोड्यूसिंग वाई, दैट इज कैपिटल अबेंडेंट इंटेंसिव कमोडिटी. एक्स जो है वो लेबर से बनता है, इसलिए उसको लेबर इंटेंसिव कहते हैं. वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए उसको कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं. नाउ क्योंकि नेशन वन में लेबर बहुत है, सपोज इन इंडिया वी हैव मोर लेबर, वी हैव वेजेस सस्ते होंगे, वेजेस कम हो जाएंगे, और कैपिटल वहां नेशन टू में ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे रेंट सस्ता मिलेगा, राइट. कैपिटल ज्यादा है, आसानी से मिल जाएगा, लाइक दिस इज द व्हाट द पॉइंट इज. इसके बाद थोड़ा सा और बात करेंगे आगे. एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिब्जिंस्की थ्योरम. इट डिस्प्लेस हाउ द चेंजेस इन द एंडोमेंट इफेक्ट्स. एंडोमेंट मतलब आपके पास कितना फैक्टर है अभी, ठीक है. अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आपको पूरा समझ में आ जाएगा. वेट, गारंटी मेरी है, समझ लीजिए. सो एंडोमेंट मतलब व्हाट इज द लेवल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फैक्टर्स यू हैव, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और फैक्टर रिसोर्सेज.
एक्चुअली थ्योरी को तब समझ में आएगा जब उसको समझेंगे, और थ्योरी को ये से ये स्टेटमेंट है इसको समझना तभी होगा जब हम लोग इसको पढ़ेंगे. सो लेट मी क्विकली गो थ्रू द बॉडी ऑफ द थ्योरी, उसके बाद के समझ में आएगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आएंगे इसके ऊपर. डोंट लुक एट द ग्राफ, फॉरगेट द ग्राफ. ओके, सो सपोज हम यहां पे स्टार्टिंग करते हैं ऐसे, नेशन वन नेशन टू. नेशन वन जो है मान लीजिए इंडिया है, दैट इज हैविंग लेबर अबेंडेंट, लेबर अबेंडेंट कंट्री है ये. नेशन टू जो है वो कैपिटल अबेंडेंट है, राइट. दिस इज लेबर अबेंडेंट, इसका मतलब क्या है कि लेबर इजिली इजिली एंड चीपली मिल जाता है, एंड दैट इज वाई यहां पे वेजेस आर लो. सिमिलरली आप यहां पे भी कर सकते हैं, कैपिटल इजिली मिल जाता है, दैट इज वी कैन इजिली गेट द कैपिटल एंड चीपली गेट द कैपिटल. सो दैट इज वाई वी हैव द रेंट, दैट इज द फैक्टर प्राइस ऑफ कैपिटल, इट इज लो. नाउ नेशन वन कम्स विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स. एक्स इज अ गुड दैट इज बींग प्रोड्यूस्ड यूजिंग लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. दैट मीन्स वी यूज मोर लेबर हियर, यूज मोर, ज्यादा लेबर का काम हम करते हैं, ज्यादा लेबर हम यूज करते हैं यहां पे. और यहां पे हम क्या करते हैं, नेशन टू इज प्रोड्यूसिंग वाई कमोडिटी, दैट इज मोर कैपिटल, राइट. इतना ही है कहानी अभी तक. अब क्या होता है, मान लीजिए नेशन वन जो है वो टैरिफ डाल देता है. टैरिफ का मतलब क्या हुआ, इट इंपोजेस टैरिफ. तो नेशन वन एक्सपोर्ट करता है, इट एक्सपोर्ट्स. ये पूरी पीछे की कहानी है, इसके हेक्सर रोलिंग की कहानी है छोटी मोटी, और उसके बाद हम सॉल्वर में जाएंगे. सो नेशन वन जो है इट एक्सपोर्ट्स, इट एक्सपोर्ट्स एक्स जो कि लेबर इंटेंसिव से बना हुआ है, वो नेशन टू को एक्सपोर्ट करती है, और नेशन टू नेशन वन को एक्सपोर्ट करती है क्या, वाई कमोडिटी जो कि कैपिटल इंटेंसिव गुड है, राइट. सो क्योंकि नेशन वन के पास लेबर ज्यादा है इसलिए एक्स बना रहा है और वो एक्सपोर्ट कर रहा है, नेशन टू के पास कैपिटल ज्यादा है इसलिए वाई बना रहा है और नेशन वन को वो एक्सपोर्ट कर रहा है. नाउ सपोज इस जगह पे क्या होता है कि नेशन वन जो है वो टैरिफ डालता है. टैरिफ किस पे डालते हैं, इंपोर्ट्स पे. तो नेशन वन का इंपोर्ट क्या है, नेशन वन का इंपोर्ट है वाई कमोडिटी जो कि वो नेशन टू से इंपोर्ट कर रहा है. सो नेशन वन सपोज लेट्स पुट द टैरिफ ऑन, टैरिफ ऑन ऑन वाई कमोडिटी जो कि नेशन टू से आ रहा है. सो कॉन्सिक्वेंटली क्योंकि टैरिफ डाल दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, द प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इन नेशन वन राइजेस. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. तो टैरिफ डालने से क्या होगा, वो बढ़ गया, राइट. टैरिफ डालने से प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इट राइजेस. सो व्हेन इट राइजेस कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, इट रेजेस द फैक्टर अर्निंग ऑफ द स्केयर्स फैक्टर. इसका मतलब क्या हुआ, जब प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो गया, वाई क्या है, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट. सो इट विल रेज द फैक्टर अर्निंग, दैट मींस ऑफ किसका, स्केयर्स फैक्टर का. स्केयर्स फैक्टर नेशन वन में कौन सा है, कैपिटल. यानी कि इसकी वजह से कैपिटल का रेंट नेशन वन में बढ़ जाएगा. मैं दोबारा बता देता हूं, यही क्रक्स है. ये अगर समझ में आ गया तो पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी. तो पूरी कहानी ऐसी है, नेशन वन जो है उसने टैरिफ डाला, किस पे डाला, वाई पे. वाई क्या है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट. अब जब वाई पे उसने टैरिफ डाला तो प्राइस ऑफ वाई इन नेशन टू वन इंक्रीजेस, नेशन वन में वो बढ़ गया. जब वो बढ़ गया इसकी वजह से क्या होगा, फैक्टर अर्निंग ऑफ स्केयर्स फैक्टर. कम फैक्टर क्या है नेशन वन में, जो कि अबेंडेंट में नहीं है, वो है जैसे देखिए यहां पे नेशन वन जो है वो लेबर अबेंडेंट है. यानी कि यहां पे कमी किस चीज की है, यहां पे कमी है कैपिटल की. नेशन वन इज डेफिशिएंट ऑफ कैपिटल. सो सिंस द स्केयर्स फैक्टर इन नेशन वन इज कैपिटल एंड द फैक्टर प्राइस ऑफ कैपिटल विल राइज, दैट मींस द वेज द रेंट विल राइज इन नेशन वन. नाउ इमेजिन अबाउट दिस कंडीशन, थोड़ा सा सोचिए. लेट्स हैव अ ब्रेक एंड लेट्स थिंक ऑफ इट. लेट्स हैव 30 सेकंड्स ब्रेक एंड थिंक ऑफ इट. दैट मींस इन अदर वे राउंड, इन अदर वे राउंड, एक बार थोड़ा सा इसको अलग से करते हैं. आई एम नॉट लुकिंग एट द कॉमेंट्स, आई एम नॉट लुकिंग एट द कॉमेंट्स. प्लीज गाइज डोंट से दैट कि सर आप कॉमेंट्स नहीं पढ़ रहे. मैं अभी थ्योरी के बीच में हूं, उसके बाद मैं कॉमेंट्स पढ़ूंगा. सो लेट मी गिव मी सम टाइम, राइट. ओके, आई एम यूजिंग इट ब्लैक कलर एंड डूइंग इट पर्पल कलर. आई एम डूइंग इट एग्जैक्टली ऑपोजिट फॉर नेशन टू. वट विल हैपन इफ नेशन टू इम्पोज टैरिफ. नेशन टू किस पे इंपोज करेगा टैरिफ, बिकॉज टैरिफ हमेशा इंपोज होता है इंपोर्ट्स पे. सो नेशन टू क्या इंपोर्ट कर रहा है, एक्स कमोडिटी. सो नेशन टू इंपोज टैरिफ ऑन
ऑन एक्स। एक्स क्या है, जो कि लेबर इंटेंसिव से बना हुआ है। अब जब एक्स पे डाला तो उसकी वजह से क्या हुआ, द प्राइस ऑफ एक्स इन नेशन टू राइजेस। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, द व्हाट इज द फैक्टर अर्निंग हियर, किसका फैक्टर अर्निंग, व्हाट इज द स्केस फैक्टर इन नेशन टू, इट इज लेबर। व्हाई, बिकॉज नेशन टू इज अ कैपिटल अबेंडेंट कंट्री, सो कैपिटल अबेंडेंट यहां पे है, तो इट इज डेफिशिएंट ऑफ लेबर, सो लेबर इज अ स्केस फैक्टर, सो लेबर का इनकम बढ़ गया, लेबर का इनकम, दैट मीन्स, इट बेसिकली मीन्स दैट द वेजेस ऑफ लेबर इन नेशन टू राइजेस। आर वी थ्रू विद दिस, एनी डाउट हियर, आर वी थ्रू, इफ इट इज थ्रू प्लीज लेट मी नो, all of you, all of us got the point, any doubt, anyone, in case you have any doubt, please let me know so that I can explain this again, if you are through, then we can go ahead, all through, waiting for the reply, Akifa, Snehlata, Sunakshi, Siddharth, Nanda, Suman, Ravi, is it clear, all clear, not clear, please let me know, I'm waiting. Okay, I got many yes and C and very clear. Okay, fantastic. Right, shall I move ahead? Siddharth, Akifa? What part is not clear, Nantu? Third line, which one? The labor ka income, that is the labor income will rise because the wages will rise. That means labor ka income means it wages. That is factor payment or factor earnings or labor income. Which factor is scarce? In nation 2, it is capital abundant. So, what is scarce? Labor is scarce. So, labor is scarce. So, labor earnings will rise. That is, wages will rise. Is it clear now, Snehlata? Any more doubt? Okay, Ravindra, I will just ask, I will just get back to you. Let me understand this first, all these things. Okay, let me complete this part, right? Okay. Moving to the next one. So this is what the whole idea is. Now let's see this. In this case, again the same thing. So let's take it. Let's understand this part with the help of this example. When nation 2, here nation 2 is a capital abundant nation, and it imposes tariff on commodity X. That is, X is a labor intensive commodity. So let me just write them in abridged format. So nation 2, that is capital abundant country, it is imposing tariff on X. X is a labor intensive, that is X ko banane ke liye, whenever we say the labor intensive, it means X jo hai wo labor se bana hua hai, right? More of labor is used. It does not mean lack of capital, it means more of labor, less of capital, right? It is used, and because of this, what will happen? The price of X rises. The price of X rises in relation with price of Y, right? So suppose before imposing the tariff, the price of X was 10 and the price of Y was 20, right? So this is what P of X, P of Y. Now suppose because of tariff, the price of X has risen. Suppose it is 5, right? Because tariff jo hai wo face price pe lagta hai, right? MRP pe lagta hai. So like, suppose it is now 15 upon 20. So ratio has yahan pe increase ho gaya hai yahan pe, right? So because of this, what will happen next? So this factor price, good prices or output prices has changed. Okay. So it rises now because the numerator has risen. So this rises now. The wage of labor in nation 2 will rise. Now let's see why. Question is why. So this is what it mentions here. Now because of this, what has happened? The price of X has risen. Now think of it. Okay guys, I'm now opening the whole part to you. Ye kyun ho raha hai? Be very, very attentive, and now you will be in a position to understand this whole part very clearly. So the idea is very simple. When tariff is imposed, next 3 minutes and this theory is done. So all of you be very, very attentive now. When tariff is imposed,
price of x upon price of y, this has increased. Now, because of this increase, what is supply, law of supply here? So as per law of supply, because the price of export x has risen, so as per the law of supply, quantity of x should be increased in nation 2, right? Quantity of x should be increased in nation 2 because it becomes more profitable for the producer in nation 2 to produce x commodity rather than exporting it, right? Understand, rather than importing it. So humne kya kiya, ye x kahan banta hai? Nation 1 mein banta hai, but nation 2 jab import pe tariff dal raha hai, so price of x for the domestic consumers in that nation, it rises. And as per that, the domestic consumer, the domestic producer, they think it very fantastic because there's law of supply. Law of supply hai, isliye price bad gaya, supply more. Now when they will supply more, what will happen? They will demand. Aur ye sara kaam jo ho raha hai, this is all happening in nation 2. That is the country that has imposed tariff. So when this happens, what will happen next? Because of this, what will happen? This nation, the producers will demand more of labor in nation 2, jahan pe already labor ki kami hai, but labor to wahan pe kami hai, to kaise, how can you take them, how can you hire more labor? For this you have to give them higher wages. So when you give them higher wages, then only you can get the labor, and then only you can produce, because all this happens because of the production, because of the law supply. Is this clear now? Next point, let's see this. If this is a channel, tariff imposed hua, price of export increase, price of x increase ho gaya, because of law supply, quantity of x will rise in nation 2, and because of that the producer will hire new labor, it will increase the demand for labor, and because of that the labor can be hired at a higher wages. Now this is what the idea is, all these points, and this is what its point. So when you demand more labor, now I will continue from there. Jahan pe demand jada ho gaya labor ka in nation 2, so wages will rise. Jab wages rise ho gaya, to think of the factor price ratio, that is W will rise and R ki value kam hogi, because labor jada demand ho raha hai, R itna zyada ho raha hai ki people who are already producing capital intensive commodity in nation 2, they are now producing labor commodity kyunki profit jada hai. आप सोच के देखिए, नेशन 2 में सिर्फ कैपिटल बनता है, कैपिटल से बनी हुई चीजें बनती है. जब प्राइस ऑफ एक्स, जो कि लेबर कमोडिटी है, उसका दाम बढ़ गया, तो जितने लोग कैपिटल इंटेंसिव बना रहे थे, वो सारे के सारे थे, ऑल ऑफ विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्स. नाउ व्हेन दे शिफ्ट टुवर्ड द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, कॉन्सिक्वेंटली बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड फॉर लेबर विल बी इंक्रीज. पीपल आर सो क्रेजी दैट कि वो Y की प्रोडक्शन कम कर देंगे. दे आर थिंकिंग इन सो मच डायरेक्शन दैट दे विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ Y. Y की प्रोडक्शन कम कर देंगे सो दैट दे कैन हैव मोर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस X कमोडिटी. एंड इसीलिए व्हेन द डिमांड फॉर लेबर गोज अप, एट द सेम टाइम डिमांड फॉर कैपिटल गोज डाउन. बिकॉज ऑफ दिस W इंक्रीजेस, R फॉल्स, सो दिस रेशियो ऑल्सो चेंजेस, राइट? दिस इज वॉट इट मेंशन हियर, यू कैन जस्ट रीड दिस पार्ट. द एक्सपेंशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी X requires L by K in a higher proportion, because you need L by K, that means you need more L here, and it released by reducing the output of commodity Y. Y can be, Y has to be reduced. So ab hua kya kahani, X rise ho raha hai, Y ghat raha hai. Ye kahan pe ho raha hai? Nation 2 mein ho raha hai. Nation 2 is a capital intensive commodity country, capital abundant country. Wahan pe Y kam ho raha hai, X badh raha hai, ulta ho gaya yahan pe, right? As each unit of L is now combined with more unit of K, the productivity of L rises and therefore W rises. Now you can see that W rises. Thus the imposition of an import tariff on commodity X by nation 2 increases. The PX upon PY, this is already I mentioned it, PX upon PY, it is getting increased, and the increase is the earnings of the labor, that is the nation 2 scarce factors production. Now is that clear? All clear? Samajh mein aaya ye sara cheez? So now you can see this is what is happening, and that is why now you can see that since the productivity of labor increases in the production of both the commodities, not only the money wages but also the real wages rises in nation 2. With labor fully employed before and after imposition of tariff, this also means that the total earnings of labor and its share in the national income are now greater. Now
सबको समझ में आया या किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझे बोल पूछ सकता है. अगर नहीं आया तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग वन वेरी सिंपल लाइन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हेयर. ओके, द होल थ्योरी द क्रक्स इज हेयर. सो आई एम नॉट राइटिंग ऑल दोस थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट नेशन टू दैट इज कैपिटल अबेंडेंट कंट्री. नाउ द होल थ्योरी इज हेयर. जिसको समझ नहीं आया उसके लिए थ्योरी मैं लिख देता हूं यहाँ पे. नेशन टू अबेंडेंट कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है. इट इम्पोजेस टैरिफ ऑन एक्स. एक्स जो है लेबर इंटेंसिव है, मैं पूरा नहीं लिख रहा. एक्स जो है लेबर इंटेंसिव है. कॉन्सिक्वेंटली प्राइस ऑफ एक्स राइजेस एंड दिस प्राइस इज राइजेस. बिकॉज ऑफ दैट लॉ ऑफ सप्लाई, बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ नेशन टू increases the production of X and reduces the production of Y. Why? Because it is more profitable to sell X at higher prices, right? अब इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि Y की production कम हो गई है, तो demand for capital falls and demand for labor rises. कहाँ पे? Nation 2 पे. Nation 1 में कुछ भी नहीं हो रहा. जब demand for labor बढ़ गया तो wages rises हो गया, और capital जब कम हो गया तो R fall हो गया. Consequently, the factor price ratio is rising and it is falling. So it means that the factor price ratio is rising. Now, when this rises, what happens? Because of this, pehle maan lijiye, this is before tariff, this is capital abundant country. So suppose very small portion was, this portion was given to capitalist, that is in terms of rent. And this portion was given to the labor in terms of wages. This is the distribution of national income before tariff. Now, after tariff क्या होगा? देखिए, after tariff ये ऐसे हो गया. Now this is what your R, right? And this is what your W. और लेट मी पुट दिस इज माई W, दिस इज माई R, राइट. सो अब आप देख सकते हैं यहां पे जो कैपिटल के ओनर हैं उनको कम मिल गया, उनको कम शेयर मिल रहा है, और लेबर वालों को ज्यादा शेयर मिल रहा है, राइट. इज दिस पॉइंट क्लियर? अगेन दिस इज समथिंग दैट आई थॉट ऑफ ऑन माई ओन. अभी अभी बनाया है तो ये कहीं किसी बुक में मिलेगा नहीं. सो आप देख सकते हैं यहां पे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम हैज चेंज्ड कंप्लीटली. सो जहां पे फैक्टर अर्निंग वॉज वेरी स्मॉल पोर्शन in the national income for the labor income, now after tariff the factor earning of laborers is very high. Is it clear? Anyone who won't like to ask me any question here, please. Siddharth, is that clear? Great connectivity. Okay, I think you liked it. All fine, all clear. Akifa, Snehlata, let me know. Nanda, Ravi, please respond, all of you guys. Otherwise, I will not be in a position to know कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया. Anyone? अकीफा समझ में आया? Okay, great. रवि, पल्लवी, आशा, राजेश, प्रभाती, any doubt? मानसी, okay, रश्मि, clear, fantastic. So now we are through with this. So now I have again very small. I have kept one very small part for all of you. If you want, you can just see this part. This is the average version again for all of you. You can see this. Suppose W is a labor intensive good. W is a wheat. अब इसको एक बार समझ लेते हैं. This will be galvanized now. And K is a capital intensive good. America being capital abundant nation has imposed tariff on labor intensive goods. Suppose wheat. Wheat is produced by India. Suppose now because America ने tariff लगाया. किस पे tariff लगाया? Wheat पे. जो कि इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है. सो वीट इज अ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी. नाउ बिकॉज प्राइस ऑफ वीट इन अमेरिका राइजेस, सो बिकॉज प्राइस ऑफ वीट राइजेस इन अमेरिका, तो पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग सपोज लैपटॉप और सपोज मोबाइल फोन, और बिकॉज दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो दे आर इन टू द कॉपरेटिव फार्मिंग, दे आर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. सो वो लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल छोड़ के वीट बनाने में लग गए वहां पे. दिस इज व्हाट द आइडिया इज, राइट. सो ड्यू टू टैरिफ द प्राइस ऑफ वीट राइजेस कंपेयर टू द कैपिटल. एज प्राइस ऑफ वीट हैज रीजन, सो एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई प्रोडक्शन ऑफ वीट विल शुड राइज, एंड एज
रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड इज लोअर, सो लेस ऑफ के इज टू बी प्रोड्यूस. दैट इज वॉट द प्रोडक्शन ऑफ द वीट राइजेज एंड द प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल फॉल्स. नाउ एज द प्रोडक्शन ऑफ वीट राइजेज, सो डिमांड फॉर लेबर फॉर वीट ऑल्सो राइजेज एज वीट इज अ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी. देयर आफ्टर वट हैपन्स, बट इन अमेरिका इट इज अ स्केयर्स एबिलिटी ऑफ लेबर, सो इट सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर, फॉर मोर कैपिटल इज बींग यूज नाउ, मोर एंड मोर ऑफ कैपिटल एंड सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स विल राइज. बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्टिविटी दे स्टार्ट बार्गेनिंग फॉर हायर वेजेस. अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ लेबर इन द नेशनल इनकम ऑल्सो राइजेस फॉर अमेरिका. दिस इज ऑल हैपनिंग इन अमेरिका, नथिंग इन इंडिया, राइट? सो दिस इज वॉट द होल आइडिया इज. I believe this should be very much clear to all of you. अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो please let me know. Can we bank on this कि हाँ हमें यह समझ में आ गया पूरी तरह से? Because this is the end of Stolper-Samuelson theorem. So बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी country किसी भी tariff, किसी भी good पे अगर tariff डालती है तो उसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, लॉ supply की वजह से वो और ज्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो खुद बनाती है वो कम हो जाएगा और वो जो नहीं बनाती है वो ज्यादा हो जाएगा, और इसके वजह से जो स्केयर्स फैक्टर है वहां पे उसकी इनकम बढ़ जाएगी. दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, राइट? विच पोर्शन आई हैव टू रिपीट, शमिष्ठा एंड अकीफा, बिकॉज आई हैव फॉर लास्ट 37 मिनट्स आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. आई हैव नो, इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट देन यू हैव टू सी द रिपोर्ट recording version, because I cannot repeat it again. I'm sorry, because for 37 minutes I've been talking only on one theory, and at the end, when I'm at the end, please, I cannot repeat this. I'm sorry for this. Anyone else who finds this, I think you might have joined late, that is why you might have not received it. Otherwise, all people here have understood this point. Okay, so this is what the part is, and next, let's now move on to the Rybinsky theorem, right? We are now getting into Rybinsky theorem. Now, as per this, it is very fantastic and very simple theory. You see that? मैं आपको पहले graph में explain कर देता हूँ. Now, this is the point B, right? Point B is where the nation one is producing. This is nation one. Nation one labor abundant, and it is producing commodity X, that is labor intensive commodity, right? So now you can see it is producing here. So this is the initial point, and you can see that at point B, how many X is being produced at point B? Let me write it. At point B, X is being produced 130, and if I just join this point, I think. थोड़ा गलत हो गया क्या? इट्स अराउंड 10 और 20 होगा शायद. इट विल बी 20 आई सपोज. ओके, आई विल गो विथ 20. एंड वाई इज 20? नाउ बिकॉज ऑफ सपोज लेबर एंडोमेंट हैज डबल्ड. That means, suppose maybe because of immigration, maybe because of more people are coming to this country, or maybe because of refugee camps, or because of any other reason, the labor has doubled here, right? So when the labor has doubled, now the country is producing at point M. Let's compare it. At point M, what is the production of X? X is being produced as 270, right? X 270 ho gaya. And y is 10. Now this is what the point is, this is what the problem is. Now can all of you see this point? What is the problem? Anyone who can locate this or locate the problem here? Kisi ko problem dikh raha hai? Samishta, don't worry, just see this point here. You will understand the whole idea. Rybinsky theorem, you will be understanding it. I have been very, very slow, Nantu. You can ask all the oldie students who are here. They will tell you that I am very, very slow. Very slow. This is very slow than normal, than what my normal class are, right? I think other people will confirm this.
यस इज दैट क्लियर? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर? ये क्वेश्चन जो है ये मास्टर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर्स में भी हमेशा आता है, अगर इन केस यू आर डूइंग इट मास्टर्स एमपीजी और यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एनीवन हु कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम हियर? नो वन. द प्रॉब्लम इज हियर, द प्रॉब्लम इज हियर. जब हमने लेबर को डबल किया, व्हेन वी डबल्ड द लेबर, व्हेन वी डबल्ड द लेबर, प्रॉब्लम क्या हुआ? दैट एक्स हैज इंक्रीज्ड by more than doubled. So if I have increased labor by twice, my output is rising by more than twice. Right? So 130 ka agar twice karenge to it should be 260. But it is coming out to be 270. Why? Ye 10 additional kahan se aaya? This is the question. All of you understood this point? The problem is because of when it is the labor is doubled. The labor is doubled because of that x should have been 260 but it is 270. Anyone who can let me know why it is so? This is what the Rybinsky theorem is all about, right? This is what the theorem is all about. Okay, now let's see, let's crack the idea, ye kyun hua aur kaise hua, right? Okay, now before we go ahead, understand this point. Focus at this point. Focus. So there has been a reduction in y by 10 units and there has been an increase in x by more than double. By more than double. But the concept remains the same. Kya increase hua yahan pe? Which factor has raised? The factor that is raised is labor. So why this is falling down? Because y. Y is a capital intensive. Labor increase hua hai, capital pe to koi fark nahi pada. So why it is falling down? Sushil is saying, sir, good Y mein 10 se 20 increase hua hai, but good X mein bahut zyada increase hua hai. Nahi, ulta bol diya. Good Y mein 20 se 10 hua hai, decrease hua hai. Now you can see, ab dekhiye isko. Point B jo hai, vertically upar hai. राइट वर्टिकली ऊपर है और ये नीचे है, दैट मींस ये 20 है और ये 10 है. राइट सो वाई हैज फॉलन डाउन फ्रॉम 20 टू 10 एंड एक्स हैज रीजन फ्र�om 130 टू 270. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. एंड और तो और वाई देर इज अ गैप हियर, बिकॉज अगर लेबर बढ़ा सो ये ठीक है, दिस इज फाइन, ये ऊपर गया उधर की तरफ गया, दिस हैज शिफ्टेड, दिस पीपीसी हैज शिफ्टेड, बट व्हाई द पीपीसी हैज शिफ्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. गुड टू सी दैट यू नो यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस केस. नो इट्स नॉट अबाउट टैरिफ इंपोज्ड, नो 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 नो, व्हाई डिक्रीज, यस दैट्स अ पॉइंट. सो वी आर गोइंग टू ओपन अप दिस नाउ, व्हाई इट हैज हैपेंड. ओके सो नाउ द थ्योरी कम्स हियर. Now again the concept is same, that x is a labor intensive, y is a capital intensive. Now let's see that. So an increase in the endowment of one factor, in this case the endowment of labor has increased, that is the amount of labor has increased, will increase by a greater proportion of output of the commodity intensive in that factor and will reduce the output of the other commodity, that is y here. So that means when labor has increased or doubled, X production that is produced by the labor, it has increased more than twice and it has also reduced the Y production. This is what the whole concept is. Right. So let's quickly see this here. You can see that if only L grows, only L grows in nation one, then the output of commodity X is expands more than the proportionately, while the output of commodity Y declines at constant px upon py. That is no tariff here. Akifa, isliye maine bola koi tariff nahi laga iske upar, theek hai? Kyunki p of x upon p of y ye constant hai. The prices are not changing because there is no tariff here. Now let's see that. This is what I just explained you. So this is before the growth. Ye jo black color line hai, this is before labor grows, and this is the PPC after labor has doubled. Now it is very simple. Agar 2 minute aur and the theory is all done, right?
So now before growth, the country is operating is producing 130 of X and 10 20 of 20 of Y. Now after only L doubles and with the PX and PY, because koi tariff isme impose nahi kiya gaya, nation 1 would produce at point M. This is my new point jahan pe I am producing 270 of X and 10 of Y, right? So thus the output of commodity X has doubled more than has increased more than doubled, while the output of commodity Y has fallen down. Now the reason to this is here, right? The reason to this is here. So as of now the labor has increased. Now the point is ki agar hum kehte hain ki labor intensive, isko samajhne ke liye main thoda sa ek backstep le raha hu. Labor intensive ka matlab kya hai ki zyada labor hai, that is more of labor. Please, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, they assume that labor intensive means complete absence of capital. No. So, suppose in order to produce X की production में, when we were producing X, suppose we were having three labor working on one machine, right? Three labor working on one machine. India में भी agriculture is a labor intensive commodity, but वहां पे tractor तो use होता है, machines तो use होते हैं ना. So this is what the idea is, right? So in India also, like, we have the answer to this. So suppose before the growth of labor, there were three labor, they were using one capital. Now labor has doubled. So does that mean that we have six labor working on one capital? Agar ye hota hai, so guys, all of you, let me tell you, the productivity will fall because this is overproduction, over utilization of the fixed capital, over utilization, chaos ho jayega. So isliye ye nahi ho sakta. Right, and हमें सबको employment भी देना, because this theory assume the full employment. So all the doubled labor we have to give them the employment, and उनको employment कैसा मिलेगा? So for full employment of increased labor, what is to be done next? We have to have capital. Capital कहाँ से आएगा? This is a labor abundant country, it's not capital abundant country. So capital will be withdrawn. Capital कहाँ से आएगा? Capital will be withdrawn from the production of Y. From the production of Y. Now, when the capital is withdrawn from production of Y, this capital, जो कि पहले Y में था, अब ये X में ही लगाया जा रहा है. This is now used in X commodity, right? X good. So when this capital is clubbed with the additional labor, what happens? The productivity of this labor increases, and when this increases, the output is more than doubled. Is it clear? Very fantastic, very fantastic, Pallavi. The capital has been transferred from Y to X. Meenakshi, point B and M jo hai, pehle growth, matlab labor ki growth hone se pehle country jo tha wo B production mein tha, jahan pe wo 130 X bana raha tha and 20 Y bana raha tha. Uske baad labor double ho gaya. Double hone ke baad country jo hai wo B se M पॉइंट पे पहुंच गई. अब एम पॉइंट पे वो 270 यूनिट्स एक्स की बना रहा है और 10 प्रोडक्शन कर रहा है वाई का. क्वेश्चन यही है कि लेबर जब बढ़ा तो डबल कैसे बढ़ गया, डबल से भी ज्यादा कैसे हो गया एक्स प्रोडक्शन, राइट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? शुड आई डू इट अगेन? एनीवन हु वांट मी टू डू दिस अगेन, आई विल डू इट अगेन, डोंट वरी, बी ओपन अप एंड लेट मी नो हु वांट्स मी टू डू दिस अगेन. Srilata, is that clear? Akifa, Siddharth, anyone? Samishta, is that clear now? Please let me know. Ravi, very clear. Okay. Should I do it or not do it? Okay, I will do it one more time. Okay. So the idea is this. Okay. The crux, the whole idea is this. Point B, where nation 1 was producing 130 unit of X and Y as 20, right? So this was my initial point. Now country has experienced double of the labor. Country mein double ho gaya hai labor doubled ho gaya hai. So labor is doubled, and because of this now the country is producing at M, right?
एम इज द फाइनल फाइनल और फाइनल पॉइंट वेयर एक्स कंट्री इज प्रोड्यूसिंग एक्स एज 270 एंड वाई एज 10. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, अगर डबल ही हुआ है तो 130 का 260 क्यों नहीं हुआ? Why it is 270? One question is this. Second question is, why 80 से 70 हो गया? Why this difference is here? So why it is from 80 to 70? Why this difference? This is what the concept is. So यहां पे मतलब क्या आया? When labor grows, right? When labor बढ़ गया, तो labor बढ़ गया कहां पे जाएगा? It cannot go for Y production. It has to go to X production. So the production of X rises first, right? उसके बाद क्या हुआ? There is something called as factor input ratio, right? Input ratio. So what is the input ratio? Suppose input ratio, that means suppose pehle 3 labor was combined with 1 capital. Now because of the double, so if I put it 6 labor and 1 capital, this is going to reduce the productivity. This is going to reduce the efficiency because over utilization of capital ho raha yahan pe. And because of which my TP curve will start declining. Remember, जो third phase में होता है total product के, so this will start declining. लेकिन यहाँ तो decline हुआ नहीं, यहाँ तो और ज़्यादा बढ़ गया. The reason is when production of X rises, so in labor को in order to employ the new labor production of Y has to be reduced. Why? Because the capital that was initially employed in Y, because Y is a capital intensive, so capital jo Y mein tha, usko Y se nikala gaya and X mein dala gaya. So capital from Y has been put to the use of production of X. Aur jahan pe when capital is used, so labor jo already the, उनकी इफेक्टिविटी बढ़ गई, उनकी प्रोडक्शन बढ़ गया, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस हैज रीजन मोर देन डबल्ड. दिस इज व्हाट द थ्योरम इज ऑल अबाउट. इज इट ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? एनी डाउट हियर प्लीज लेट मी नो. रवि इज दैट क्लियर नाउ? स्नेहा, शमिष्ठा, इज दैट क्लियर नाउ? सो दिस इज व्हाट इट हैज मेंशनड. इट हैज बीन मेंशनड हियर, यू कैन सी दिस होल पार्ट. And that is why it is called as magnification effect. ये जो यहाँ पे हुआ, you can see that. In fact, the increase in the output of commodity X expands by a greater proportion than the expansion in the amount of labor, because some labor and capital are also transferred from the production of commodity Y to the production of commodity X, and that is why instead of doubling, it is more than doubling, and that is what it's called as magnification effect. So with this, I come to an end of this session. Thank you, Snehlata. I believe all of you must have enjoyed this part. Is it clear now? Is it clear? Rybinsky theorem and Stolper-Samuelson theorem. Is it clear now? Completely. Be honest. Let me know. नहीं है तो मुझे बताइएगा. Okay. So next we are going to meet on 23rd of October. We are going to meet again. And we are going to discuss a most important topic, that is Cobb-Douglas production function. Cobb-Douglas production function and your favorite constant elasticity of substitution production function. Let me have some cheers here. How many of you are happy and how many of you are feeling bad? Sir, ye nahi kuch aur karwaiye. Should I come up with this? On 23rd, we are going to do with the Cobb-Douglas production function and constant elasticity of substitution. What do you say? Shall we come ahead? Guys, you might have seen a marginal change in my energy today, because I'm not well today. It's being a very, very big day for me. So that's why I'm like very tired day for me. But that's why you can see that there's slightly change in my my energy, right? So this is the whole idea is, so all of you through with this, just remember, ek baar dobara dekh lijiyega, ye kabhi bhi aap bhul nahi sakte, theek hai? Thank you guys, thank you so much for joining me here again, and we are going to meet again on 23rd.
टिल देन थोड़ा पढ़ के आइए कॉब डर्गस प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, जो भी जहां से भी मिले पढ़ के आइए एंड मुझे क्वेश्चन थ्रो कीजिए. राइट, आई विल बी कमिंग अप विद वन ऑफ द फैंटास्टिक, यस इट विल बी ऑन यूट्यूब, यस एंड आई विल बी कमिंग अप विद वन ऑफ द फैंटास्टिक सेशन, दिस इज माई गारंटी. ओके, थैंक यू गाइस, एंड डू शेयर इट, डू लाइक इट. नो, देयर इज सम प्रॉब्लम एट माई प्लेस, सो दैट्स इट. Kalyani, I believe all those, the morning also, you know, there was some problem at my place. Anyway, so, Koini, we'll meet again on 23rd. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. See you on 23rd. Bye-bye. Bye, Srinilata. Bye, Akifa. Bye, Nanda. Thank you so much.